सभी किसान भाइयों को नमस्कार। मेरा नाम अनंत है और आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ और सुरक्षित रहेंगे। और आज मैं आप सभी का स्वागत करता हूं इस कुबोटा के पावर ऑफ फोर व्हील ड्राइव वीडियो प्रोग्राम। तो अभी आप मेरे पीछे जो देख रहे हैं ये है कुबोटा का फोर व्हील ड्राइव ट्रैक्टर का फ्रंट एक्सल, जो कि फ्रंट एक्सल का ये कट सेक्शन है। तो अभी हम बात करेंगे कि फोर व्हील ड्राइव ट्रैक्टर और टू व्हील ड्राइव ट्रैक्टर में क्या अंतर है। फोर व्हील ड्राइव ट्रैक्टर में सबसे पहले तो गियरबॉक्स में पावर जो है ट्रैक्टर के चारों पहियों को मिलता है, जबकि टू व्हील ड्राइव ट्रैक्टर में पावर सिर्फ ट्रैक्टर के पीछे वाले टायर को ही मात्र मिलती है। फोर व्हील ड्राइव ट्रैक्टर में टायर की स्लिपेज बहुत कम होती है, जहां पर टू व्हील ड्राइव ट्रैक्टर में टायर की स्लिपेज ज्यादा हो जाती है। इसी कारण टायर की लाइफ फोर व्हील ड्राइव ट्रैक्टर में ज्यादा होता है और टू व्हील ड्राइव ट्रैक्टर में थोड़ा सा कम रहता है। और फोर व्हील ड्राइव ट्रैक्टर में रख रखाव का खर्चा कम आता है, जबकि टू व्हील ड्राइव ट्रैक्टर में टायर के रख रखाव का खर्चा ज्यादा हो जाता है। और फोर व्हील ड्राइव के कारण और चारों पहियों में पावर मिलने के कारण ये बड़ी आसानी से निकल जाता है और कहीं फंसता नहीं है। इसी कारण बड़े से बड़े और हैवी से हैवी इंप्लीमेंट को भी ये बड़े आसानी से खींच कर ले जा सकता है। तो अभी हम लोग कुबोटा फोर व्हील ड्राइव फ्रंट एक्सल के कट सेक्शन के बारे में बात करेंगे। जैसे आप इस कट सेक्शन को देख रहे हैं, यहां पर मैं बताना चाहूंगा कि ये फ्रंट एक्सल ड्यूअल गियर के अरेंजमेंट से लेस है। आप यहां पर क्लियरली देख सकते हो यहां पर ड्यूअल गियर की अरेंजमेंट है। और इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि इन गियर की जो लाइफ होती है वो बहुत ज्यादा होती है, तो इससे रख रखाव का जो आपका खर्चा है वो कम होता है। और दूसरे सबसे बड़ा फायदा यह है इसका टर्निंग रेडियस। इस बेवल गियर के अरेंजमेंट के कारण टर्निंग रेडियस बड़ा शार्प हो जाता है। इसका मतलब यह है कि एक कम जगह में ही पूरी तरह से घूम जाता है, जो कि अन्य फोर व्हील ड्राइव ट्रैक्टर के अरेंजमेंट में ये मुमकिन नहीं होता। ये इसका फायदा है। तो इस वीडियो को देखने के लिए सभी को धन्यवाद। और इस वीडियो के माध्यम से मैं आशा करता हूं आप लोगों को कुबोटा के पावर ऑफ फोर व्हील ड्राइव टेक्नोलॉजी के एडवांटेज और बेनिफिट समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।